गाइस माहौल जब शानदार आई थिंक सर जीएसटी सर अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है एंड सर जीएसटी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि सर जीएसटी आखिर आने वाला है आया तो क्यों आया सर लास्ट लेक्चर की बिगनिंग में हमने बात करी थी इंडायरेक्ट टैक्स को लेके कि सर आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला सैनवेड क्रेडिट और वेड क्रेडिट की हमने बात कर ली थी साहब सर पर हमारा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन रेज हुआ था कि आखिर ये जीएसटी क्यों आया पुराने लोज हटा के नए लोज लेके आए सेंट्रल एक्साइज वेट एक्साइज वेट सर्विस टैक्स ऐसे कई सारे एक्ट कई सारे टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स वन नेशन वन मार्केट सर वन टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आए इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई हुआ है तो हुआ है जीएसटी पर आखिर यह क्यू सर हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो सैनविड क्रेडिट और वेट क्रेडिट कैसे मिलता है सर अगर आपके 140 फोर्टी पे टैक्स लग रहा है सर सैनविड क्रेडिट मिलेगा आपको एक्सरसाइज के लिए सर अगर आपके सेल पे वेट लग रहा है अरे रहा है ना परचेज पे वेट पे किया है मल्टीपल टैक्सेशन कैश कटिंग इफेक्ट रहा हटाने के लिए आपको वेट का क्रेडिट मिला है अच्छा हाँ हमने ये बात भी समझ ली थी कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलता है ऐसा कंपलसरी नहीं है क्योंकि अगर आपके आउटपुट गुड्स एक्समटेड है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सर कि आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिल रहा है अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता क्लियर सर क्रेडिट नहीं मिलता था तो मल्टीपल टैक्सेशन होता था सर कैश इफेक्ट होता था हमने ये बात करी थी बच्चों क्लियर देन हमने बात करी थी क्या कि सर हमको केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाना चाहिए पर वैल्यू एडिशन अगर हम टैक्स लगाते तो सर इनवर्स किस तरह से बन पाते सही नहीं बन पाते केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाना नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली सर जैसे हमने मोबाइल का एग्जाम्पल लिया था सर क्लियर जिसके अंदर फिफ्टीन द वैल्यू और उस पर टेन परसेंट टैक्स केवल फोर हंड्रेड ये प्रैक्टिकली सही नहीं था क्लियर इसलिए वहां क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया दस क्रेडिट मिला सर वहां से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू किया रिगार्डिंग दस का क्रेडिट एंड जैसे ही हमने दस क्रेडिट पढ़ा हमको यह समझ में आ गया कि केवल परचेस पे टैक्स पे करने की वजह से क्रेडिट नहीं मिलता वरना आपने ये जैकेट ये शर्ट ये मोबाइल कुछ भी परचेज किया था तो आपने भी क्रेडिट लिया होता सर क्लियर आपके 140 फोर्टी पे अगर टैक्स लग रहा है जिसमें ऑलरेडी 100 इंक्लूडेड है जिसमें हम टैक्स पे कर चुके हैं वापस से मल्टीपल टैक्स होगा कैश इफेक्ट होगा सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड स का क्रेडिट मिला है सर हा है आपका आउटपुट गुड्स क्या है एक्समटेड हैल्टीपल टेक्स और कैश क्या द कॉन्सेप्ट सेम क्लियर बस फर्क यह था कि सैनविट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेट का क्रेडिट सैनवेट के लिए नहीं मिलेगा सेंडवेट का क्रेडिट वेट के लिए नहीं मिलेगा, मिलेगा यह सब बातें हमने करी थी ओके okay, तो सर दस का क्रेडिट भी मिलता था फोर पॉइंट फोर का भी क्रेडिट मिलता था क्लियर पर सर सवाल ये आता है अब क्या सर द पॉइंट फॉर डिस्कशन नाउ कम्स दैट कि सर जब पहले दस का क्रेडिट मिल रहा था 4.4 का वेट क्रेडिट मिल रहा था सर तो क्या तकलीफ थी पुराने लॉज में सर जिसकी वजह से जीएसटी लाया गया और जीएसटी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का मोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर कोई है तो है जीएसटी तो आखिर ये क्या हुआ क्यों हुआ क्या तकलीफ थी पुराने लॉज में सर अब तक तो मैंने बताया आपको कि 10 का क्रेडिट कैसे मिलता था क्यों मिलता था 4.4 का वेट क्रेडिट कैसे मिलता था क्यों मिलता था सर है ना भाई अब अगले स्टेप की तरफ बात करते हैं धीरे धीरे होले होले पढ़ेंगे पर जिंदगी के अंदर हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि सर आपको हर एक चीज कॉन्सेप्टुअली और प्रैक्टिकली समझ माननी चाहिए तो ही मजा आएगा सर अब बात करते हैं हम क्या कि आखिर पुराने लॉज में क्या तकलीफ थी व्हाट वॉज द लाकूना इन द प्रीवियस लॉज जिसकी वजह से जीएसटी आया साहब सर अब मैं बात करता हूं आपने और मैंने ये समझ लिया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर आप मुझे बताओ अगर आपकी सेल पर एक्साइज लग नहीं रहा है अगर आपकी सेल पर वापस से एक्साइज नहीं लग रहा तो क्या आपको 10 का क्रेडिट मिलना चाहिए आंसर इज एब्सोल्युटली नो आपने परचेज पे टैक्स पे किया हुआ की क्रेडिट मिलेगा अगर आपके आउटपुट पे टैक्स एक्समट है या टैक्स नहीं लग रहा तो क्रेडिट की बात नहीं आएगी सेम इज द केस फॉर वेट क्रेडिट आएगीचेज आपने फोर पे 4.4 का वेट पे किया है पर अगर आपकी सेल पे वेट लगी नहीं लग ही नहीं रहा है देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेडिट एट ऑल ये आपको बात पूरी क्लियर है ओके <clears throat> okay? अब सर अगली बात की तरफ मैं बढ़ता हूं अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं हम सर इंडस्ट्री में क्या तकलीफ आ रही थी उसके बारे में बात करते सर हम सर आप मुझे बताओ अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचा है तो आपकी सेल पर एक्साइज भी लगेगा आपकी सेल पर वेट भी लगेगा अगर आप एक केवल ट्रेडर हो बेटा आपकी दुकान है शोरूम है आपका आप केवल गुड्स परचेज करते हो और बेचते हो मैन्युफैक्चर नहीं करते हो आप तो सर जब आप सेल करोगे तब केवल वेट लगेगा साहब एक्साइज नहीं लगेगा क्योंकि एक्साइज तो लगता है मैन्युफैक्चर पर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो ओके थर्ड केस अगर आप एक सर्विस सप्लायर हो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जैसे मैं कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं साहब कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं मालिक सर मेरा पॉइंट आपसे ये कि जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है उस पर क्या लगेगा बिफोर जीएसटी बात कर रहे हैं हम बिफोर जीएसटी प्री जीएसटी रिजिम की बात कर रहे हैं हम सर सर्विसेस पे लगता था क्या सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता था क्या सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर देखना ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं सर आपके लिए सरकार मान लो चलो कलर आज ब्लैक ले लेते हैं माहौल के साथ ओके okay. सर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो आप समझने की कोशिश करना आप जब गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचोगे तब सेंट्रल लगेगा एंड सिंस आप सेल भी कर रहे हो इसलिए सेल्स टैक्स विच इज कॉल्ड वेट भी लगेगा अगर आप एक ट्रेडर हो तब आप पर ओनली एंड ओनली वेट लगेगा जब आप सेल करोगे तब एक्साइज वगैरह की बात नहीं आती है और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो सर्विस सप्लायर हो तो आपकी सर्विसेज पे लगेगा क्या सर्विस टैक्स सर मैं बात कर प्री जीएसटी एस की बेटा है ना अभी समझने की कोशिश करना अब अब सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओके सर यहां मैं लिख देता हूं ये रेवेन्यू किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये रेवेन्यू किसका है स्टेट गवर्नमेंट का है राज्य सरकार का बेटा वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखिएगा सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा पर भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पेरेंट लॉ है सारे लॉज का जिसने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर क्या होंगे स्टेट गवर्नमेंट के पावर क्या होंगे वहां पे वहां पे लिखा हुआ था कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विल बी द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स विल बी द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज पे जो टैक्स लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा ये सब वहां लिखा था सर तो वहां से सर ये पता पड़ा कि किसका रेवेन्यू कौन सा होगा वो मैंने आपको बताया बच्चों ओके 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 अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स भी रेवेन्यू किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट का है अब सर भले सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो भले सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो दोनों रेवेन्यू किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट का और दोनों अगर रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सर आपने अगर सर्विसेज पे सर्विस टैक्स पे किया तो भी किसको पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया आपने अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्साइज पे कर रहे हो आप तो भी किसको पे करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करोगे आप साहब क्लियर अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना नाउ सपोज अगर मान लो आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है एंड ऑन सर्विसेज आपके सर्विसेज पे क्या लग रहा है बच्चों? सर्विस टैक्स लग रहा है आपकी सर्विसेज पर अगर सर्विस टैक्स लग रहा है और सर आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई लैपटॉप परचेज किया आईपैड परचेज किया आपने कोई मशीनरी परचेज करी सर जिस पे आपने या कोई इनपुट परचेज पर आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे किया मान लो सर लैपटॉप आपने परचेज किया मैन्युफैक्चरर से उसने बिल पे क्या लगा के दिया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा के दिया साहब अब आपने सर वो लैपटॉप आपने पर्सनल यूज में काम नहीं लिया है आपने प्रोवाइड किया आपने उसको यूज़ किया टू प्रोवाइड द सर्विसेज तो आप एक तरह से उस लैपटॉप के एंड कंज्यूमर नहीं हो अल्टीमेटली आप सर्विसेज सप्लाई करने के लिए वो लैपटॉप काम ले रहे हो और सर्विसेज सप्लाई करके जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो पर्सन हो सकता है एंड कंज्यूमर हो सर इसलिए आपने जब लैपटॉप परचेज किया होगा उस लैपटॉप के परचेज पे जो आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा वो किसको पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स वो भी किसको पे करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करोगे सेंस एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो दोनों पे किया किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने तो सर जब परचेज पे आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा अब सेल पे सर्विस टैक्स लग रहा है तब सर ये आपने जो रेवेन्यू दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया ये भी अमाउंट किसको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है इसलिए इसलिए आपने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी उस पर लग रहा है सर्विस टैक्स और परचेज पे अगर आपने एक्साइज पे किया हुआ तो उसका भी सेंवर्ड क्रेडिट आपको अलाउ हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ही है बेटा हम तो बोलेंगे ना कि सर्विस टैक्स हम पे करें सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने आपको हम ऑलरेडी एक्साइज पे कर चुके वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया तो उसका तो क्रेडिट दो भाई साहब एंड रिमेनिंग अमाउंट ही आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा इसलिए सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो सिंस दोनों रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसलिए दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है आपने एक्साइज पे क्या हो या सर्विस टैक्स पे क्या हो सर दोनों का नाम केवल अलग है बाकी फंक्शनिंग दोनों की सेम है क्योंकि दोनों किसको पे किए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए तो मैं तो आपको सिंपल वर्ड्स में ही समझाना चाहूंगा कि आपने परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया भूल जाना और दोनों को एक ही अकाउंट में डाल देना नाम क्या है सेंवेट क्रेडिट अकाउंट अब सर सर्विस टैक्स हो या सेंट्रल एक्साइज जुडी दोनों को एक अकाउंट एक डाल देंगे नाम क्या होगा क्रेडिट अकाउंट अब आपके सेल पर भले ही सर्विस टैक्स लगे या आपके सेल पर भले ही सेंट्रल एक्साइज जुडी लगे मतलब आप एक मैन्युफैक्चरर हो या एक सर्विस सप्लायर हो आपकी सेल पे लाइबिलिटी आ रही है भले सर्विस टैक्स की या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की आपने जो सैन्य क्रेडिट लिया था एक्साइज प्लस सर्विस टैक्स का वो क्रेडिट आप यूज कर करना और बैलेंस अमाउंट पे कर देना क्योंकि बैलेंस पे करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है साहब क्लियर इसलिए मैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पे और लिख देता हूं सर, ये देखिए सर आप सर यहां पर इनपुट पर इनपुट हो या इनपुट सर्विस हो सकता है ना आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली मार्केटिंग सर्विसेज ली इस पे आपने हो सकता है सर्विस टैक्स पे किया हो

क्लियर ये बिल बनाया 14 पे 14 की लाइव किया परचेज पे क्या या सर्विस टैक्स पे क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका मतलब ये था कि सर सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था कोई दिक्कत नहीं थी पर 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 वेट का क्रेडिट सर्विस टैक्स या एक्साइज के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वेट पे किया अपने स्टेट गवर्नमेंट को सर क्लियर डन तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि सर अगर आपने परचेस पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे क्या दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है साहब क्योंकि दोनों ही टैक्स किसको पे किया आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए क्लियर पर अगर आप एक ट्रेडर हो परचेज पे वेट पे किया है सेल पे वेट लग रहा है वेट का क्रेडिट मिल जाएगा साहब आपको हाँ है ना भाइयों

क्लियर डन इसलिए सर अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना नेक्स्ट स्टेप मैं बढ़ रहा हूं कि सर अब प्रैक्टिकली होके सोचते हैं हम कि मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं साहब सर मैं मोबाइल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हूं मैं मोबाइल बनाता हूं साहब अब मोबाइल बनाने के लिए मैंने कई सारे इनपुट परचेज किए होंगे कई सारी सर कैपिटल गुड्स परचेज किए होंगे मशीन वगैरह बेटा अच्छा कई सारे लोगों की मैंने सर्विसेज भी ली होगी जैसे इंजीनियर की मैंने सर्विसेज ली सर कंसल्टेंसी सर्विसेज ली मार्केटिंग सर्विसेज ली एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली रेंटिंग ऑफ स्पेस की सर्विसेज ली एक्स वाई जेड दस हजार तरह की सर्विसेज मैंने ली साहब सर्विसेज मैंने पे क्या, क्या पे क्या होगा सर्विस टैक्स सर्विसेज पे मैंने क्या पे किया भाई सर्विस टैक्स पे किया जो मैंने परचेस करी मैंने जो इनपुट परचेज किए मैंने जो कैपिटल गुड्स परचेस की उसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा सर्विसेज पे केवल सर्विस टैक्स लगता है भाई वेट नहीं लगता साहब अब सर जब मैंने

वेट सेल्स टैक्स भी पे किया होगा अब सर जब मैं मैन्युफैक्चरर हूं मैन्युफैक्चर करूंगा गुड्स उस पर एक्साइज लग गया जब बेचूंगा तो क्या लगेगा वेट अब मेरी सेल पे वेट भी लग रहा है और सर सेल पे वेट लग रहा है परचेस पे वेट पे क्या हुआ मेरे को वेट का क्रेडिट भी मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो सर अगर प्रैक्टिकली बात करें अगर आई एम अ मैन्युफैक्चरर इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर तो ज्यादा तकलीफ नहीं थी सर उसने एक्साइज पे किया हो परचेज पर सर्विस टैक्स पे क्या हो सर्विसेज के परचेज पर या वेट पे क्या हो इनपुट या कैपिटल गुड्स के परचेज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सबका उसको क्रेडिट मिल रहा है सर एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट सैनविट क्रेडिट मिल रहा है जो उसकी एक्साइज की लाइबिलिटी को पे करने में काम आएगा सर उसकी सेल पे वेट लग रहा है तो परचेज पे वेट पे किया तो वेट का क्रेडिट भी मिल जाएगा इसलिए उसने सर्विसेज परचेज करी गुड्स इनपुट या कैपिटल गुड्स परचेज किए एक्साइज सर्विस टैक्स या वेट पे किया सबका क्रेडिट उसको मिल रहा था रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी पे करने के लिए क्लियर डन कोई तकलीफ नहीं सर अब समझने की कोशिश करना अगर मैं कौनू ट्रेडर हूं मैं दुकानदार हूं मेरा शोरूम है साहब आई एम जस्ट ट्रेडिंग द गुड्स आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द गुड्स सर मैंने अपनी दुकान अपना शोरूम चलाने के लिए सर कुछ गुड्स परचेज किए मान लो मैं पेंसिल का मेरा लैपटॉप का शोरूम है सर मैं मान लो मोबाइल बेचता हूं साहब कुछ भी समझ लो ना सर कोई भी दुकान समझ लो अब जब मोबाइल मैंने परचेज किया होगा मान लो मैंने डायरेक्ट परचेज किया था किससे मैन्युफैक्चरर से सर सोच जब से वो बन के देखिए तो एक अब एक्साइज भी लगा वेट भी लगा पर मेरी सेल पे जब मैं उसको ट्रेडिंग करूंगा तब केवल क्या लगेगा वेट लगेगा सर मेरी सेल पर केवल वेट लग रहा है पर परचेज मैंने एक्साइज और वेट दोनों पे किया है क्लियर अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि सर मेरी सेल पे क्या लग रहा है केवल वेट अब परचेज मैंने अगर एक्साइज पे किया क्या उसका एक रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या एक रुपए का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा आंसर इज नो क्यों नो क्योंकि सर आपको पता है दस का क्रेडिट क्यों मिला सर जब मेरी सेल पे एक्साइज लगी नहीं रहा मेरी सेल पे जब सर्विस टैक्स लगी नहीं रहा तो सैनोर्ड क्रेडिट तो मिलने की बात आती ही नहीं है हाँ जो वेट पे क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा मेरा शोरूम है साहब मैंने मार्केटिंग सर्विसेज ली अकाउंटिंग सर्विसेज ली कंसल्टेंसी सर्विसेज ली सीए की सर्विसेज ली उन पे मैंने बिल पे क्या पे किया सर्विस टैक्स पे किया अब वो सर्विसेज मैंने यूज करी अपने बिजनेस के लिए पर सिंस मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं गुड्स का उन उस ट्रेडेड गुड्स पे केवल वेट लग रहा है और सर वेट की लाइबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी स्टैंडवर्ड क्रेडिट काम नहीं आता तो मुझे सर्विस टैक्स जो मैंने पे किया है उसका एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा वो मेरी पूरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा मेरी कॉस्ट में एड हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट नहीं मिल रहा अब सर आप मुझे बताइए मेरी सेल पर सिंस केवल वेट लग रहा है इसकी वजह से मैंने परचेस पे जो वेट पे किया होगा उसका क्रेडिट मिल रहा है बाकी मैंने अपने बिजनेस के लिए भले इनपुट परचेस किया उन पे पे जो 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 भी पे किया, जो भी wait, जो भी एक्साइज किया वेट सर्विस टैक्स पे किया उसका तो एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा और पूरा को पूरा अमाउंट हमारी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है और हमारी कॉस्ट में अगर एड होगा तो अल्टीमेटली आप सोचिए ट्रेडर के लिए तो क्या हो गया भाई नुकसान हो गया ना यार कि सर उसने अपने बिजनेस के लिए उसने अपने पर्सनल यूज के लिए तो तो गुड्स खरीदा नहीं उसने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है और बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा उस उसपे एक्साइज पे किया सर्विस टैक्स पे किया उसका तो कोई क्रेडिट नहीं मिला उसकी का पार्ट बन गया उसका कारण क्या टेक्निकल रीजन है टेक्निकल रीजन क्या उसकी सेल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स लगे नहीं रहे उसकी सेल पे केवल वेट लग रहा तो अल्टीमेटली सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किए वो तो उसकी कोस्ट का पार्ट बन गया बेटा इसकी वजह से ट्रेडर्स नुकसान में जा रहे थे ट्रेडर की कॉस्ट बढ़ रही थी सर अच्छा ट्रेडिंग करने वाले को सुनना बच्चों ध्यान से जो भी गुड्स वो ट्रेड कर रहे हैं सर उनको वो गुड्स कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ है सर। जो भी आसपास की आप दुकान देखते हो बेटा जो भी गुड्स वो ट्रेडिंग कर रहे कहीं कही तो मैन्युफैक्चर हुआ है और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर कही हुआ मतलब उस पर एक्साइज लगा सर अब एक्साइज लगा तो उसका एक रुपए का भी क्रेडिट उसको नहीं मिलने वाला है आप सोचिए वो शोरूम वाले ने किसी से भी एडवर्टीजमेंट होगी मार्केटिंग सर्विसेज ली कंसल्टेंसी सर्विसेज ली सीए की सर्विसेज ली सर अकाउंटिंग सर्विसेज ली उसके बिल पर क्या पे क्या होगा सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स था पहले कितना पंद्रह परसेंट अब आप मुझे बताओ फिफ्टीन परसेंट पूरा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा सर वन ले बिल है उससे फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन थाउजेंड होता है पूरा पंद्रह हजार उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा वो हमेशा सर्विस सप्लायर को क्या बोलता था भाई साहब बिल कम का बनाना या एक काम करो आप बिल बनाओ मत मैं तो एक लाख रुपए आपको कैश दे देता हूं दो नंबर में दे देता हूं दो नंबर मतलब कैश में दे देता हूं आप रिकॉर्ड करो ही मत कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है जो तो टैक्स बच जाएगा वो ना आपको मिल रहा है ना मेरे को मिल रहा है वो तो गवर्नमेंट को जा रहा ना साहब छोड़ो ना सर इस तरह से लोग क्या करते थे पहले टैक्स चोरी करने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्होंने पर्चे भले एक्साइज पे क्या हो या सर्विस टैक्स पे क्या हो एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था तो ये लोस हो रहा था सर ट्रेडर्स को सर इसकी वजह से टैक्स चोरी के ये प्रयास करते थे सब इसलिए सर इनको दुख था कि ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही सर आगे कहानी देखो अब आप सर्विस सप्लायर पे आई है अब आप सर्विस सप्लायर जो सर्विसेज दे रहे उस पर क्या लगता था सर सर्विस टैक्स अब सर्विसेज पे केवल लग रहा है सर्विस टैक्स कोई वेट नहीं लग रहा अब सोचिए मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर मान लो किसी की सब कॉन्ट्रेक्टर की सर्विसेज ली उस पर उसने सर्विस टैक्स लगाया मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं साहब मैंने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया मैंने कोई इनपुट परचेज किया उस पे अगर अगर लगा हुआ है तो क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा साहब पर सर अगर उस पे बिल पे, वेट भी लिखा हुआ है या वेट लिखा हुआ है आप मुझे बताओ वो सेल्स टैक्स वेट मैंने किसको पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है और मेरी सेल्फ लाइव डेरी केवल सर्विस टैक्स की क्या वेट का क्रेडिट मिलेगा आंसर इज नो नो इनपुट टैक्स क्रेड ऑफ नो इनपुट टैक्स क्रेड ऑफ वेट पेड विल बी अलाउड टू दी सर्विस सप्लायर्स सर्विस सप्लायर्स को एक रुपए का भी वेट का क्रेडिट नहीं मिलने वाला वो पूरा पूरा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना सर्विस सप्लायर के लिए बहुत इजीली हमने कह दिया कि सर उसने अगर परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया तो उसका क्रेडिट तो मिल जाएगा सैन्य क्रेडिट टू तो पे द सर्विस टैक्स पर सर वेट का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा अग्रेड सर अब सुनना बात को ध्यान से सर हमने बोल दिया कि सर्विस प्रोवाइडर्स को सिंस सर्विस टैक्स लग रहा है विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अगर परचेज पे एक्साइज पे किया होगा तो एक्साइज का उसको क्या मिल जाएगा अब का उसको मिल रहा है, तो वो सर्विस टैक्स पे करने में काम मिलेगा पर सर सैनविट क्रेडिट की बात कब आएगी जब परचेज के बिल पे क्या लिखा हो सर एक्साइज लिखा हो अगर परचेज बिल पे एक्साइज लिखा ही नहीं है अगर परचेज बिल पर एक्साइज ही नहीं लिखा तो देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेडिट एट ऑल मतलब अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो बिल पे एक्साइज तो होना चाहिए ना भाई अरे आपके परचेज के बिल पे एक्साइज जुटी ही नहीं लिखा हुआ तो आप क्रेडिट कैसे लोगे सर

शोरूम से जब मैंने परचेज किया होगा क्या उसने सर अपने बिल पे एक्साइज लगाया होगा ये सोच देखिए कि एक्साइज बिल पे कौन लगा सकता है जो एक्साइज पे करता है एक्साइज कौन पे करता है जिसपे एक्साइज की लायबिलिटी आती है एक्साइज की लायबिलिटी किस पे आती है मैन्युफैक्चरर पे आती है तो एक्साइज के बिल तो केवल मैन्युफैक्चरर दे सकता है साहब अब एक्साइज का बिल केवल मैन्युफेक्चर को दे सकता है मतलब बिल पर केवल एक्साइज मैनुफेक्चर ही लगा सकता है तो सर आप मुझे बताओ वो शोरूम वाले से जब मैंने गुड्स किया होगा वो शोरूम वाला कौन है एक ट्रेडर है उसने अपने बिल पे केवल क्या लगाया होगा वेट लगाया होगा सर अब वेट लगाया होगा तो एक्साइज तो है नहीं मेरे को क्रेडिट मिलता है एक्साइज का बिल पे एक्साइज लिखा हुआ है, है नहीं सब अगर क्रेडिट चाहिए दिस सर्विस प्रोवाइडर विल हैव टू बा गुड्स फ्रॉम द डायरेक्टली मैन्युफेक्चर दिस सर्विस सप्लायर विल गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफेक्चर अब आप मुझे बताओ सर ये कैनन का कैमरा है मान लो सर ये लैपटॉप मान लो सर लेनोवो का है या एक्सड किसी कंपनी का है अब इसका मैनुफेक्चर मान लो सर मैं हूँ कहा मुंबई में इसका मैन्युफेक्चर कहा है नोएडा में मान लो गुड़गा गुरुग्राम बेंगलुरु क्या मैं एक लैपटॉप परचेज करने के लिए बेंगलुरु जाऊंगा क्या मैं एक लैपटॉप परचेस करने के लिए गुरुग्राम जाऊंगा क्यों क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर से परचेस करूंगा तो उसके बिल पे एक्साइज लिखा होगा जिसका मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा सोचिए पहली बात तो मैं वहां जाऊंगा नहीं सेकंड थिंग वहां चला भी गया वो डायट मैन्युफैक्चरर बड़ी बड़ी फैक्ट्री क्या है वो एक एक लैपटॉप बेचने बैठे क्या मैं गया वहां पर लैपटॉप लेने सर मैंने बोला भाई साहब एक लैपटॉप देना उसने बोला एक ट्रक भर के लैपटॉप दो इनको भाई मैंने कहा एक ट्रक भर के नहीं एक लैपटॉप उसने बोला बाहर निकल चल वो मैन्युफैक्चरर अगर इस तरह के छोटे छोटे काम करने लग गया रिटेल में अगर बेचने लग गया तो बड़ा काम कब करेगा साहब पहली बात तो मैं वहां जाऊंगा नहीं जाऊंगा तो वो बहुत रेयरली को देखा साहब गुड्स को सर आप मुझे बताओ तो प्रैक्टिकली ऑब्वियसली आप भी देखिए आपने भी अपने घर के लिए कोई एसी सी परचेज किया होगा लैपटॉप परचेस किया होगा मोबाइल परचेज किया होगा क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किया क्या कि नहीं आपके आसपास के जो शोरूम होंगे जो दुकान वाले होंगे उनसे परचेस किया होगा और उन्होंने बिल पे क्या लगाया होगा डेफिनेटली वेट लगाया होगा साहब <laughs> मैं प्री जीएसटी की बात कर रहा हूं अब सर मैंने भी क्या किया होगा अपने आसपास पास जो शोरूम वाले होंगे जो मेरे कुछ सही प्राइसिस नहीं है परचेज किया होगा अब बिल पे क्या लिखा हुआ है वेट मेरी सर्विसेज पे क्या लग रहा है सर्विस टैक्स अब मैंने जब ये सारे गुड्स परचेज किए इसके परचेज के बिल पे केवल वेट लिखा हुआ है एक्सरसाइज नहीं लिखा हुआ है अब सर ये सब मैंने यूज किया अपने बिजनेस के लिए नो डाउट ऑल दीज गुड्स आई एम यूजिंग फॉर माई बिजनेस बट यू टेल मी एम अ सर्विस सप्लायर प्रोवाइडिंग सर्विस मेरी सर्विस क्या, क्या लगेगा सर्विस गवर्नमेंट नाउ यू टेल मी मैंने परचेस भी क्या पे किया है वेट विच इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या मेरे को एक रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा आंसर इज नो क्रेडिट किसका मिलता है एक्साइज का मिलता है सर बिल पे एक्साइज है नहीं नो no डाउट उन कैमरा पे लाइट्स पर मोबाइल पर लैपटॉप पे एक्साइज तो कहीं ना कहीं लगा हुआ साहब एक बार तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ है सर पर फिर भी मेरे को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरे को एक्साइज वाला बिल नहीं मिल पा रहा प्रैक्टिकली सर गवर्नमेंट ने कह दिया कि थोरिटिकली सर्विस सप्लायर तुमको तो एक्साइज मिल जाएगा लड्डू दिया मुंह के अंदर पर सर प्रैक्टिकली क्रेडिट की बात तो आ ही नहीं रही है आप मुझे बताओ अगर मैं एक सर्विस सप्लायर हूं प्रैक्टिकली होकर सोचिए सर आप जितने भी ऑफिस देखते हो हर जगह लैपटॉप काम आता है कंप्यूटर काम आता है सर इतनी सारी गुड्स काम आती है एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है मैं तो कह रहा हूँ स्विच बोर्ड काम आ रहा है साहब ये स्विच बोर्ड भी किसमें काम आ रहा है मेरे को सर ऑफिस में काम आ रहा है मतलब मेरे बिजनेस के लिए काम आ रहा है सर ये ट्यूबलाइट ये बल्ब एक एक गुड्स एक एक रुपए की जो गुड्स आप देख रहे हो स्टेशनरी इन सब पे एक साइज कहीं ना कहीं लगा हुआ है पर एक रुपये का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा क्यों <coughs> क्योंकि प्रैक्टिकली सर्विस सप्लायर ट्रेडर से गुड्स खरीदता है शोरूम से गुड्स खरीदता है आसपास के दुकान वाले से परचेस करता है जो वेट का बिल लगाता है वेट लगाता है बिल पर जिसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता मतलब बिल पे जो लिखा आ रहा उसका क्रेडिट मिल नहीं रहा और जिसका क्रेडिट मिलता है एक्साइज वो बिल पे लिखा नहीं आ रहा मतलब जो चाहिए वो है नहीं जो है वो चाहिए नहीं प्लीज डोंट लिंक इट विद द लाइफ कि जिंदगी में जो चाहिए वो है नहीं और जो है वो चाहिए नहीं सर <laughs> सरकार मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है दिस इज हाउ द लाइफ वॉज बिफोर दी जीएसटी मतलब प्रैक्टिस इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन स्मूथली फ्लो नहीं हो रही थी नो डाउट बुक्स में कानून में लॉज में ये लिखा था कि क्रेडिट इज अलाउड बट आप मुझे प्रैक्टिकली बताओ क्या इतना स्मूथ क्रेडिट फ्लो हो पा रहा था क्या सर अगर आप एक सर्विस सप्लायर हो सर परचेज पे एक्साइज का है पर परचेज बिल पे एक्साइज बहुत रेयरली कभी लिखा हुआ मिलता था सर हमको क्योंकि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं कर पाते थे सर

फिर उसने वेट लगाया होगा तो वो कॉस्ट हमारे लिए तो इंक्रीज कॉस्ट है ना साहब जिसका हमको एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल पा रहा ऑल दो मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया हुआ है कहीं ना कहीं पर एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल पा रहा क्योंकि सिस्टम इस तरह का बना हुआ था कि सर क्रेडिट पास ऑन नहीं हो पा रहा था साहब अगर आप एक ट्रेडर हो तो इसके दिल की दर्द आपको समझ में आ गया इस ट्रेडर ने अगर कोई सर्विसेज परचेस करी जिसपे लगा सर्विस टैक्स कोई गुड्स परचेज किया मैन्युफैक्चरर से उस पे क्या लगा हुआ एक्साइज रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा क्योंकि सेल पे केवल क्या लग रहा वेट लग रहा हां हा, अगर आप एक मैनुफेक्चर हो तो उसको एक्साइज वेट सर्विस टैक्स सबका क्रेडिट मिल रहा था क्योंकि उसकी सेल पर सर्विस टैक्स और उसकी सेल पर एक्साइज और वेट दोनों लगता था पर फिर भी सर मैनुफेक्चर को भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आराम था आप सोचिए मैन्युफेक्चर आपकी एक फैक्ट्री है आपने अब फैक्ट्री के लिए दो एसी परचेज की है अब दो एसी कोई आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करोगे क्या आप मैन्युफैक्चरर हो तो क्या इसका मतलब क्या सारे गुड्स मैन्युफैक्चरर से ही परचेज करते हो आप आप भी दो ए सी लेने के लिए कोई गुरुग्राम में कहीं दूर दूर शहर जाओ उसकी फैक्ट्री वहां नहीं जाओगे दो एसी खरीदना है आसपास के शोरूम से परचेज कर लोगे सर और आसपास के शोरूम से परचेज किया तो उसने अगेन बिल पे क्या लगाया होगा केवल वेट लगाया होगा वेट का क्रेडिट मिल जाएगा पर अगेन उस एसी पर एक्साइज ऑल दो लगा हुआ है ऑल दो आपके सेल पे एक्साइज लग रहा है पर सिंस आपके परचेज पर केवल और केवल वेट लिखा हुआ है क्योंकि आपने ट्रेडर से गुड्स परचेस करी साहब क्लियर इसलिए एक्साइज क्रेडिट आपको भी नहीं मिल रहा है इसलिए मैन्युफैक्चरर को भी कई केस में एक्साइज पे किए हुए हैं पर एक्साइज की बिल नहीं मिलने की वजह से क्योंकि वो ट्रेडर से करता था इसलिए उसको भी क्रेडिट नहीं मिल पाता था तो सर सर इनपुट टैक्स क्रेडिट इतनी स्मूथ नहीं थी सर, जितना होना चाहिए था सरकार ने कानून तो बनाए थे लॉस तो फ्रेम किए क्रेडिट अलाउ भी किया पर सर प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से स्मूथ फ्लो नहीं हो पा रहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसलिए इसलिए देर वॉज नीड ऑफ अ सिस्टम सिस्टम जो इस सब इल इफेक्ट ऑफ टैक्स को रिमूव कर पाए सर ये सब इल इफेक्ट थे पुराने लॉस के जिसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन पूरी स्मूथ नहीं हो पा रही थी इनपुट टैक्स स्मूथ नहीं हो रही थी तो परचेजेस पे जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे किए बिल पे अगर लिखा हुए नहीं आ रहे तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा था अल्टीमेटली कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो सेल प्राइस बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी साहब अल्टीमेटली पर्पज ऑफ द लॉ डिफिट हो रहा था एंड सर प्रॉपर नहीं होने की वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही थी इसलिए हमारे पूरे देश ने एक सपना देखा क्यों ना क्यों ना ये सर ऐसा कोई टैक्स आ जाए ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जिसमें एक्साइज वेट सर्विस टैक्स ये अलग अलग टैक्स सब हट जाए और सबका एक ही टैक्स बन जाए सर और गवर्नमेंट ने और हमारी देश की जनता ने एक सपना देखा कि क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स लगा दे जिसका नाम होगा क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब अगर सोचिए आप मैन्युफेक्चर हो तो भी जीएसटी आप अगर, अगर सर्विस सप्लायर हो तो भी जीएसटी अगर आप एक ट्रेडर हो तो भी जीएसटी तो सोच के देखिए क्या होगा आपने परचेस पे पे किया जीएसटी सेल पे लग रहा है जीएसटी भले आपने मैन्युफेक्चर से परचेस किया तो भी लगा था जी भले आपने सर्विस सप्लायर से परचेस किया सर्विस तो भी लगा था जीएसटी अगर आपने ट्रेडर से परचेस किया तो भी लगा था जीएसटी परचेस पे जीएसटी सेल पे जीएसटी परचेस पे जीएसटी सेल पे जीएसटी सर बताओ मुझे आप अगर सेल पे जीएसटी लग रहा है परचेज पे जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए मिलना चाहिए बिल्कुल मिलेगा और सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन बहुत अच्छी से स्मूथली फ्लो करेगी इसलिए सरकार ने सपना देखा क्यों ना इन सब को हटा के एक्साइज वेट सर्विस सब हटा के सिंगल टैक्स वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट और सर लगा देंगे क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और वहां से गवर्नमेंट ने अपना सपना देखना चालू किया और सर फ्रांस फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया उसके बाद एट प्रेजेंट देर आर मोर टू हंड्रेड जीएसटी हिंदुस्तान ने भी अडोप्ट कर लिया जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन से अब सोचिए आप अगर ये सिस्टम आ गया जिसके अंदर क्या होगा आप भले आप भले ही एक मैन्यूफेक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या आप एक ट्रेडर हो सर सोच देखिए आपने अगर परचेज पर जीएसटी पे किया आपके सेल पे जीएसटी लग रहा हो आपने परचेज पे जीएसटी पे किया सेल पे जीएसटी लग रहा है अब भले आप मैन्युफैक्चरर से परचेस करो सर्विस सप्लायर से परचेस करो सर्विसेज या ट्रेडर से गुड्स परचेस करो परचेज पे अगर जीएसटी लगा हुआ है सेल पे भी जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी के लिए मिल जाएगा कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि गुड्स किससे परचेस करूं शोरूम वाले से परचेस करूं या मैन्युफैक्चरर से परचेस करूं सर्विसेज लू या नहीं लू सर कभी मैं सर्विस प्रोवाइडर को नहीं बोलूंगा कि मैंने अगर एक लाख की सर्विसेज ली है तो बिल कम का बनाना या मुझे बिल मत देना मैं कैश दे दूंगा मैं भी बोलूंगा पूरा बिल बना के दे उस पर जीएसटी लगा के दे मुझे पूरा क्रेडिट मिल जाएगा मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक लाख पे अठारह भी जीएसटी है तो अठारह जो मैंने टैक्स पे किया वो पूरा क्रेडिट मिलेगा तो मेरे लिए लाख ही रहेगी कोई दिक्कत नहीं है सोचिए मैं एक सर्विस सप्लायर हूं <coughs> मैंने अपने ऑफिस के लिए एक ट्यूबलाइट परचेस एक फिन परचेस किया एक लाइट परचेस परचेस करी, करी, करी सर सीपीयू परचेज किया इन्वर्टर परचेज किया स्विच बोर्ड परचेज किया सर ये टेबल परचेज किया मोबाइल परचेज किया ऑफिस के लिए आईपैड परचेज किया सर छोटा सा छोटा सामान परचेज किया आप मुझे बताओ किससे भी परचेज किया सर क्या पे करूंगा जीएसटी मेरी सेल पे लगेगा क्या जीएसटी आप मुझे बताओ दिल गार्डन गार्डन होगा कि नहीं होगा सर हंड्रेड जो परचेज पे टैक्स पे किया सबका क्रेडिट मिलने वाला है ये सब चीजें जब प्री जीएसटी एस में मैं सोचता था तो मैं सर मैं खुद सर पिछले बारह तेरह साल से जीएस सर्विस टैक्स एक्साइज वगैरह पढ़ा रहा हूं दस का क्रेडिट क्यों मिला पढ़ा रहा हूं पर सर मुझे खुद को

पहलेगर पचास हजार का कोई कंप्यूटर परचेज करता था उस पर साइज और वेट मिला के मान लो पंद्रह हजार हुआ करता था मेरे को एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता था साहब पैतीस हजार प्लस पंद्रह हजार मान लो मेरी पूरा पचास हजार पे किया पूरी पूरी कॉस्ट का पार्ट बनता था सर्विस सप्लायर के लिए सर क्योंकि बिल पे एक्साइज लिखा हुआ नहीं आता था बिल पे आता था वेट लिखा हुआ जिसका मेरे को क्रेडिट मिलता नहीं था जिसका क्रेडिट चाहिए वो बिल पे है नहीं और जो है उसका क्रेडिट मिलता नहीं जिंदगी बर्बाद हो रही थी इसलिए यह सपना जो गवर्नमेंट ने देखा सारी जनता को पसंद आया और वन नेशन वन टैक्स अगर हो जाएगा वन मार्केट हो जाएगा तो माहौल बन जाएगा साहब एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गवर्नमेंट बहुत सालों से प्रयास कर रही थी बहुत सालों से एफर्ट रही थी, पर सर ये सपना साकार हुआ ऑफ़ कि मतलब जुलाई किस तरह से होगा आपको समझ में आ गया शायद सर आई मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लियर सर शायद मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई सर क्लियर मालिक इसलिए <coughs> सपना देखा सरकार ने कि हम जीएसटी ले आएंगे शायद अब आपको एक स्टेप आप आगे आ गए कि सर आखिर हमने जब बात करी थी कल कि सर परचेज पे सॉरी सर पुराने लोज में क्या तकलीफ थी पुराने लॉज में क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से नए लॉ को लेके आए नए कानून को लेके आने का कारण क्या था साहब दिस वॉज द मेजर रीजन बिहार कुछ कारण और थे मैं आपको बताता हूं जैसे आपने पहले पहले क्या होता था बेटा अगर आप दूसरे स्टेट से कुछ परचेस करते थे जैसे मैं हूं महाराष्ट्र मुंबई मैंने मान लो कोई गुड्स गुजरात से परचेस किया पहले प्री जीएसटी, तो इस पे लगता था सी एस टी सी एस टी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स दिस इज ऑल्सो सेल्स टैक्स दिस नॉट वेट वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सी एस टी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अब सर है तो सेल्स टैक्स पर सर परचेज पे अगर आपने सी एस टी पे किया था मैंने महाराष्ट्र का हूं मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स या कोई मशीन गुज़ार से परचेस करी जिस पे क्या पे किया सीएसटी मैं बता देता हूं आपको भाई साहब सेल्स टैक्स मेरी सेल पे वेट लग रहा है मेरी सेल पे सर्विस टैक्स लग रहा है एक्साइज लग रहा है मेरे को एक रुपए का भी नहीं मिलता था इसलिए दूसरे स्टेट से अगर मैं करके लाता था कोई भी गुड्स तो सबसे सब बड़ा टेंशन ही किसका था का था सीएसटी का जैसे सीएसटी लगता था सर मेरे को लगता था ये, ये कोश का पार्ट बन गया भाई साहब कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका लॉजिक क्या था रीजन क्या था अभी उस पर इतना डेप्थ में अपने नहीं जाना सर क्योंकि अपना टारगेट क्या है जीएसटी पढ़ाना है साहब पर सर पुराने लॉज में यह भी दिक्कत थी सर तो इंटर स्टेट परचेज करने में ये तकलीफ थी सर कि मेरी कॉस्ट हमेशा बढ़ती थी और अगर यही गुड्स मैं अगर यही गुड्स महाराष्ट्र से परचेज करता सेम गुड्स अगर मैं महाराष्ट्र से परचेस करता इस पर लगता क्या वेट अब मेरी सेल पे वेट लग रहा है तो मुझे वेट का क्रेडिट मिल जाता था इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता था कि कोई भी गुड्स अगर परचेस करूं तो मेरे ही स्टेट वाले से परचेस करूं अगर मेरे ही स्टेट वाले से परचेस किया उसने बिल पे क्या लगा के दिया वेट लगा के दिया मेरी सेल पे क्या लगेगा वेट लगेगा मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा पर यही अगर मैं दूसरे स्टेट से परचेस करके लेके आऊंगा तो लगेगा सी मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी अगर मान लो वन लेख का गुड्स है मान लो दो परसेंट टैक्स है साहब सीएसटी होता दो हजार रुपए क्लियर वेट भी होता तो मान लो दो हजार रुपये दो परसेंट रेट थी मान लो सर आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली सर यहां पर अगर सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मेरी कॉस्ट आएगी कितनी एक लाख दो हजार परचेज वैल्यू एक लाख प्लस दो हजार रुपए सीएसटी एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा तो पूरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा एक लाख दो हजार मेरी कॉस्ट होगी पर यही अगर मैं गुड्स मेरे स्टेट वाले से परचेज करता तो मेरी कॉस्ट आती कितनी एक लाख रुपए आती क्योंकि सर मैंने परचेस पे अगर दो हजार रुपये वेट पे किया तो वेट का मुझे पूरा क्रेडिट मिलने वाला है है हाँ ना तो सर इंटर स्टेट परचेज करने पे हमेशा हमेशा टैक्स पेयर हमेशा बिजनेसमैन सोचता था कि मैं परचेस करूं कि नहीं करूं हमारे स्टेट में अगर ये ऑप्शन मिल जाए कोई सेम गुड्स अगर बेचता हो, तो मैं उससे परचेस कर लू क्योंकि मेरे को क्रेडिट नहीं मिलने वाला इसीलिए इसलिए दूसरे स्टेट से परचेज करते तो महंगाई बढ़ती थी कोस्ट बढ़ता था इसलिए आदमी सोचता था कि दूसरे स्टेट से परचेज करूं या हमारे स्टेट से परचेस करूं पर अगर जीएसटी आ गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही टैक्स होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही रेट ऑफ टैक्स होगा अब अब इंटर स्टेट परचेज करो या विद इन द स्टेट इंटर स्टेट परचेस करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जीएसटी अगर लगेगा जीएसटी अगर लगेगा तो साहब उसका हमको क्रेडिट मिलने वाला है तो सर वन नेशन हमारा एक देश है बेटा वन नेशन वन टैक्स पूरे देश में एक ही टैक्स होगा उसका नाम क्या होगा जीएसटी वन मार्केट क्यों वन मार्केट अब सर आप गुड्स आप गुड्स मध्य प्रदेश से परचेस करो महाराष्ट्र से परचेज करो गुजरात से परचेस करो कहीं से भी परचेज करो मैं मान लो महाराष्ट्र में हूं <coughs> मैंने गुड्स किसी भी स्टेट से परचेज किया है क्या लगेगा जीएसटी लगेगा और जीएसटी अगर लगेगा उसका मेरे को अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो सर मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत इजी होगा कि मैं पूरे देश में कैसे भी परचेस करूं क्योंकि सर पहले क्या होता था पहले दूसरे स्टेट से परचेज किया तो वो मेरी जो सी एस टी कहता था वो पूरी कॉस्ट का पार्ट बनता था पर अब ऐसा नहीं होगा इसलिए कहा जाता है कि सर पहले क्या होता था सर मान लो मेरी फैक्ट्री महाराष्ट्र में है साहब तो सारे महाराष्ट्र की फैक्ट्री वाले ये सोचते थे कि मैं गुड्स अपने स्टेट से परचेज करूं ठीक रहेगा दूसरे स्टेट वालों को नुकसान था कि सर हमारे हमसे ये जो महाराष्ट्र में फैक्ट्री ये गुड्स खरीदने में टेंशन लेगा क्योंकि इसको सी का क्रेडिट नहीं मिलेगा इसलिए मार्केट प्राइस अलग अलग होती थी अगर मैं दूसरे स्टेट से परचेज करूंगा तो हमेशा मेरी कॉस्टिंग में सोचता था एक लाख दो हजार रुपए आएगी इस एग्जाम्पल के अंदर और सेम स्टेट से परचेज करूंगा तो एक लाख आएगी तो सर एक ही देश के अंदर दो अलग प्राइस हो गए ना सर एक तरह से गुड्स पर केवल टैक्स की वजह से क्लियर पर गवर्नमेंट ने जीएसटी अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो वन नेशन वन टैक्स अगर होगा तो वन मार्केट मतलब पूरे देश में एक ही मार्केट प्राइस होगी साहब टैक्स की वजह से प्राइसेस चेंज नहीं होगी अब बाकी सप्लायर अपनी अपनी प्राइस लगाए वो अलग बात है सर बाकी टैक्स की, की वजह से प्राइसेस चेंज नहीं होगी क्योंकि आप मध्य प्रदेश से परचेस करो गुजरात से परचेस करो महाराष्ट्र से परचेस करो अगर परचेस पे पर जीएसटी है सेल पे जीएसटी लग रहा है आपको क्रेडिट मिलने वाला है कोई टेंशन नहीं है इसलिए गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्लियर शायद आपको ये स्लोगन भी अब समझ में आ रहा है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्लियर सर इसलिए देर वॉज अ नीड ऑफ अ सिस्टम कि सरकार जीएसटी अब सोचिए लोगों में कितना एक्साइटमेंट होगा गवर्नमेंट में कितना एक्साइटमेंट होगा कि साहब टैक्सेशन लाओ और हां बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर क्रेडिट मिलने लग जाएगा हर बिजनेसमैन को क्रेडिट मिलने में लग जाएगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो कम हो जाएगी सर ऐसा लोग सोचेंगे सर आप भी सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्यों लाएगी जीएसटी जब सबको क्रेडिट मिलने लग जाएगा तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्स कम मिलेगा सब पहले अगर लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता था तो टैक्स तो गवर्नमेंट के पास रह गया क्रेडिट नहीं मिला तो अल्टीमेटली नुकसान तो टैक्स पेयर को हुआ गवर्नमेंट को तो फायदा हुआ तो गवर्नमेंट क्यों लेके आएगी मैं बताता हूँ गवर्नमेंट क्यों लेके आएगी गवर्नमेंट अगर सिस्टम इजी करती है सर टैक्स सिस्टम स्मूथ हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम स्मूथ हो जाता है तो सर हमेशा सर लोग टैक्स पे करने में चोरी नहीं करेंगे सर पहले क्या होता था मैंने परचेस पे अगर दस रुपए टैक्स पे किया हुआ है अब सेल पे वापस फोर्टीन पे करना है जबकि मैंने परचेस पे दस रुपए टैक्स पे किया हुआ है उसका प्रैक्टिकली मेरे को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा अब मुझे फोर्टीन और पे करना तो दिल दुखेगा साहब मैं कोशिश करूंगा वो टैक्स चोरी कर लू सर पर अगर मैंने पर्चेस दस रुपए टैक्स पे किया हुआ है और मुझे उस दस का पूरा क्रेडिट अगर मिलने वाला है मुझे आउट ऑफ फोर्टीन के चार ही पे करना तो शायद सर मैं टैक्स कंप्लेन करूंगा और सर मैं चोरी करने की कोशिश बहुत कम करूंगा मैं करूंगा इनकी कोशिश इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा बढ़े गई क्योंकि सारे लोग अगर एक नंबर के सिस्टम में आ गए टैक्स चोरी करना बंद कर दिया सर डेफिनेटली ऑन रिकॉर्ड सर आपका एक्चुअल टर्न ओवर अगर देखेगा तो एक्चुअल टर्न ओवर पर जो चार रुपए के सबसे टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को कई गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पुराने लोग ये गवर्नमेंट ने भी कैलकुलेशन कर लिया कि लोग अगर सारे लोग टैक्स पे करने लग गए प्रॉपर बिलिंग इश्यू करने लग गए कोई अंडर बिलिंग नहीं हो रही है कोई सर बिना बिल का काम नहीं कर रहा है प्रॉपर टैक्स अगर पे कर रहा तो सरकार गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होगा क्रेडिट अगर लोगों को मिलेगा तो लोग टैक्स कंप्लायंस अच्छा करेंगे प्रॉपर टैक्स करेंगे चोरिंग नहीं करेंगे तो हमको जो चार चार रुपए टैक्स मिल रहा है वही हमारे लिए बहुत हो जाएगा साहब इसलिए देर वॉज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑल्सो क्लियर इनफैक्ट सबके लिए फायदा था सिचुएशन थी टैक्स पेयर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी तो क्यों ना जीएसटी लाया जाए सो देर वॉज सिस्टम जो ये सारे इल इफेक्ट को इरेडिकेट कर दे एंड वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स कर दे साहब और वो गवर्नमेंट ने जीएसटी लाके सपना पूरा किया क्लियर सर फर्स्ट जुलाई सेवनटीन से जीएसटी आया पर सर आप सोचेंगे सर फिर गवर्नमेंट ने इतना लेट क्यों किया <coughs> सर आखिर क्यों इतना वक्त लगा आप क्यों कह रहे हो कि सर बहुत मेहनत करनी पड़ी गवर्नमेंट को जीएसटी लाना था तो सर एक ही बार में ले आते ना साहब इतना क्यों सोच रहे हो आप इतना क्यों सोचना पड़ा गवर्नमेंट को कि सर इतना क्या डिफिकल्टी थी पुराने लोज को आप समझिए बात को ध्यान से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये दोनों रेवेन्यू थी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन दोनों को मर्ज करने में कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि पहले भी वाली दोनों नाम अलग अलग थे बाकी दोनों का ही सैनविड क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था सर कोई तकलीफ थी ही नहीं पर सर मेन तकलीफ था क्या वेट को मर्ज करना सेल्स टैक्स को मर्ज करना क्यों क्योंकि वेट वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और पता है सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये तो पूरे देश के अंदर एक ही था तो इनका एक्ट भी पूरे देश में एक ही था कानून जो बना था पूरा देश में एक ही था इनको मर्ज करने में कोई तकलीफ नहीं थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे पर वेट सेल्स टैक्स इट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने लॉज को बनाया हुआ था अपने अपने कानून बनाए हुए थे सर मान लो इस मोबाइल फोन पर सर राजस्थान के अंदर वेट का रेट दस परसेंट है तो जरूरी नहीं मध्य प्रदेश में भी रेट दस परसेंट हो प्रदेश में हो सकता है ट्वेल्व परसेंट रेट हो महाराष्ट्र में हो सकता है एटीन परसेंट टैक्स हो किसी स्टेट में हो सकता है चार परसेंट हो किसी स्टेट में हो सकता है वो एक्सेंट हो हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेट लॉस डिफाइन किए हुए थे अपने अपने वेट लॉस बनाए हुए थे अपने अपने सेल्स टैक्स लो बनाए हुए थे राजस्थान वैल्यूडी टैक्स अलग था सर गुजरात वैल्यूडी टैक्स एक्ट अलग था मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश स्टेट प्रदेश वेट एक्ट अलग था सर महाराष्ट्र वेट एक्ट अलग था मतलब हर स्टेट का अलग अलग एक्ट था वेट को लेके और सर स्टेट गवर्नमेंट की मेजर रेवेन्यू क्या थी वेट थी अब सर आप मुझे बताओ हर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भी तो मर्ज करना है सारे स्टेट गवर्नमेंट को मनाना वॉज वेरी डिफिकल्ट अरे यार आप देखिए हमारे देश के अंदर सर स्टेट्स सर हमारे देश के अंदर क्या हुआ साहब ऐसा नहीं है कांग्रेस सरकार ने कोशिश नहीं करी वेट की जीएसटी की बहुत कोशिश करी उन्होंने भी पर मेहनत थोड़ी कम हुई थी सर वो ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत नहीं हो पाई एक स्ट्रांग लीडरशिप वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग हुआ करता था इसलिए उस टाइम पे जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए मैं बताता हूं आपको सर अब सर बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है पॉइंट समझना सर गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए अब सर दिसंबर 2010, 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था सर दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था एंड सर <coughs> हिंदुस्तान के अंदर सर जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उन्होंने लगभग लगभग यह तय कर दिया था कि जीएसटी तो आएगा कैसे आएगा क्या आएगा वी डोंट केयर आएगा लगा दिया सारे लोगों को काम करो अपने मिनिस्ट्री के अंदर बोल दिया जीएसटी लेके आओ अब उन्होंने भी क्या किया सर जो डेवलप्ड कंट्रीज थे जहां पर जीएसटी ऑलरेडी था वहां के लोगों को देखा वहां के एक्ट को उठा के हमारे देश में ले आए और बोला कि ये जीएसटी एक्ट तैयार हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया और सर आईसीए को सी इंस्टीट्यूट को उन्होंने ऑफिशियली इन्वाइट किया पार्लियामेंट के अंदर कि आप अपना डेलीगेशन लेके आओ आप अपनी टीम लेके आओ और सर यहां प्रेजेंट करो कि जो हमने जीएसटी एक्ट बनाया वो सही है कि नहीं और देश के अंदर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जो हमने बनाया आई बहुत ही अच्छा सुंदर सा डेलीगेशन पार्लियामेंट में गया साहब एंड सर उन्होंने बोला आप जीएसटी लाइए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट लाइए सर हम जीएसटी के अगेंस्ट नहीं है पर डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से डायर उठा के हमने यहां बस उसको एक्ट बना दिया सर ऐसा नहीं होता है क्यों क्योंकि एक्साइज सर्विस टैक्स में कोई तकलीफ नहीं साहब वेट लोगों को अगर मर्ज करना है सेल्स टैक्स लोगों को मर्ज करना है तो सर सारे स्टेट गवर्नमेंट को आपको एक प्लेटफॉर्म लाना पड़ेगा साहब यहां पर स्टेट चेंज करो लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है या स्टेट चेंज करो लोगों के भगवान चेंज हो जाते हैं लोगों का खाना चेंज हो जाता है लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं सर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने लॉज के हिसाब से अपने अपने सर्कमसेंस के हिसाब से अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से अपने अपने कानून बनाए हुए साहब हाउ यू कैन मर्ज द

एंटायर ऑल द स्टेट का सेंट्रल सर सेल्स टैक्स लो वेट लो इन सिंगल लो विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया सर क्या किया डायरेट कॉपी करके पेस्ट अदर कंट्री से पूरा जीएसटी एक्ट वहां से उठाया और यहां पेस्ट कर दिया विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया सर एवरीबडी एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज विथ आईसीए आई आईसीआई ने पांच मिनट का स्पीच दिया केवल और बोला क्या आप जीएसटी लेके आइए पर इस तरह से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट नहीं आप सिंगापुर वगैरह से केवल कॉपी करके इधर ला रहे हो वो नहीं चल पाएगा आपको सारी स्टेट गवर्नमेंट का स्टडी करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ टैक्स लगानी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग एक्ट बनाना पड़ेगा उसके बाद जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाएगा ऐसे इंप्लीमेंट ना हो पाएगा क्योंकि सर हर स्टेट गवर्नमेंट

25 मिनट का वक्त दिया था पार्लियामेंट ने और पता है उस डेलीगेशन को भेजने से पहले इनफॉर्मली ये गवर्नमेंट ने आईसीआई आई को बोल दिया था <coughs> कि साहब आप कुछ भी कर लो आप कुछ भी प्रेजेंट कर लो ना जीएसटी तो आएगा जितना दाम में लगा देना आप कुछ भी स्पीच दे दो जीएसटी तो आएगा इसलिए जीएसटी के फेवर में बात करना अगेंस्ट बात मत करना ऐसा पार्लियामेंट में इनवाइट करने से पहले इनफॉर्मली बोल दिया था अब साहब आईसीआई को 25 मिनट का का वक्त दिया देश का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है जिसके बेस पर पूरा टैक्स का कमान चलता है पच्चीस मिनट का वक्त आईसीआई पर आईसीआई का जब डेलीगेशन गया उस समा का पांच मिनट में कर दिया कितने मिनट में

सीए ऑफ इंडिया आपके पार्लियामेंट के हमने 20 मिनट बचाए साहब हाँ है ना एंड माहौल जम के वहां पे आई से के नाम का एंड सर वहां डिसीजन हो गया कि जीएसटी ऐसे तो ना हो पाएगा सर फिर वर्किंग और चालू हुई इस पर सर मोदी सरकार आई मोदी सरकार ने बहुत बहुत एग्रेसिवली वर्किंग किया इस पे अब साहब तकलीफ क्या थी इसके अंदर मैं बताता हूं आपको सर तकलीफ ये थी कि हर स्टेट गवर्नमेंट को मनाना हर स्टेट गवर्नमेंट को एग्री कराना कि आप भी जीएसटी के अंदर आ जाइए सर क्योंकि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज नहीं हो रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हो रहे थे उनकी भी रेवेन्यू मर्ज होने वाली थी इसलिए अब सर हर स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम क्यों मर्ज करें साहब <coughs> हमारी रेवेन्यू कैसे मिलेगी हमको <coughs> आ सोचिए आ,

पुलिस किसी कंट्रोल में होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती कंट्र है जो पुलिस वाले है। सर उन सबको सैलरी देना उन सबका कर काम करना सर आप मुझे बताओ उसका खर्चा कौन संभालेगा स्टेट गवर्नमेंट पैसा कैसा आएगा ये सेल्स टैक्स वेट इन सबकी रेवेन्यू प्लस अदर टैक्सेस की रेवेन्यू ये मिलकर जब पैसा आता था स्टेट गवर्नमेंट का तब जाके सर ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट कर पाती थी सर अब आप तो टैक्सेस मर्ज कर दो जीएसटी के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट का कटोरा लगे खड़ो हो जाएगी क्या सर इसलिए सारे स्टेट गवर्नमेंट बोला भाई साहब हमारी रेवेन्यू खत्म हो जाएगी हम तो जीएसटी के लिए अग्री नहीं हो रहे इसलिए जीएसटी नहीं आ पा रहा था सर सेंट्रल में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था जो मोदी जी ने आके ये कमाल किया अब समझना बात को ध्यान से सर अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले अब जीएसटी कैसे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बोला हमारे टैक्सेस भी तो मर्ज हो रहे स्टेट गवर्नमेंट बोला हमारे टैक्सेस मर्ज हो गए और जीएसटी में अगर आ गए हमको क्या मिलेगा हमारे रेवेन्यू कहां से आएगी इसलिए जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तब साहब सबसे पहले बात हुई क्या वन नेशन वन टैक्स तो होगा पर सर ये जीएसटी जो होगा मिल बांट के खाएंगे इसलिए जीएसटी के दो रेवेन्यू डिवाइड किए सी जीएसटी एंड एस जीएसटी सी जीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एस जी एस टी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर मिल बाढ़ कहेंगे फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मतलब अगर मान लो एटीन परसेंट जीएसटी है रेट ऑफ जीएसटी परसेंट तो नाइन परसेंट होगा सी जीएसटी नाइन परसेंट होगा क्या एस जी एस टी मतलब सीजीएस मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एस जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर्विस सी जी एस टी एंड एस जीएसटी हमेशा इक्वल लगता है और जो सी जी एस टी का पोर्शन होगा ये जाएगा किसके अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ये जाएगा किसके अकाउंट में स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में मतलब जब मैं गुड्स बेच रहा हूँ मान लो लैपटॉप बेचा मैंने वन लाख रुपये का मैं दुकानदार साहब मैं सेल पर वन लेख पर नाइन परसेंट मान लो एटीन परसेंट टैक्स सी जी एस टी और एस जी और है नाइन परसेंट लगाऊंगा सी जी एस टी नाइन परसेंट लगाऊंगा एस जी एस टी सर बिल पर वन लेख ये देख लीजिए सर आप <coughs> जब मैं बिल बनाऊंगा वैल्यू ऑफ गुड्स लिखूंगा वन लेख एटीन परसेंट जीएसटी अगर है तो नाइन परसेंट होगा क्या सी जी एस टी नाइन परसेंट होगा क्या एस जी एस टी सर नाइन थाउजेंड सीजीएसटी नाइन थाउजेंड एस जी एस टी टोटल वन लेख एटीन थाउजेंड हो जाएगा अब कस्टमर से वन लेख एटीन थाउजेंड जो लूंगा उसमें से नाइन थाउजेंड में पे करूंगा किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नाइन थाउजेंड पे करूंगा किसको स्टेट गवर्नमेंट को तो सर गवर्नमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे रेवेन्यू का क्या होगा ये लो साहब बस मिल बांट के खाएंगे आधा तुम्हारा तो आधा हमारा तकलीफ नो तकलीफ मैटर क्लोज क्लियर तो दिस इज हाउ स्टेट गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया ठीक है साहब रेवेन्यू डिवाइड हो गई हमारी रेवेन्यू कोई कम नहीं हो रही ओके okay, अब सर क्वेश्चन सेकंड आया कि ठीक है साहब आप हमको हमारा रेवेन्यू तो दे दोगे पर वेट जो होता था वेट लो सेल्स सेक्स लो ये तो पूरा सेल टैक्स लो बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास था तो अगर आप जीएसटी ले आओगे तो क्या हमारा टैक्स लो बनाने का जो पावर था वो पावर तो खत्म हो गया आज समझना आज मान लो मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी गुड्स पर रेट ज्यादा लगानी कौन सी गुड्स पर रेट कम लगाना कौन सी गुड्स को एग्जाम करना ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था सर तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते हैं जितने भी वहां पे बड़े बड़े लोग हैं वो सब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हमारी गुड्स पे रेट कम कर दो साहब अब कल को अगर जीएसटी ले आए और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहा ही नहीं तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कभी स्टेट गवर्नमेंट को पूछेगा हाथ जोड़ेगा उनके सामने कि भाई साहब हमारी गुड्स रेड क्योंकि उनके हाथ में पावर ही नहीं रहा सर तो सर किस बात का हाथ जोड़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बोला साहब ठीक है रेवेन्यू तो हमको मिल रहा रहा है पर हमारा पावर खत्म हो अगर ये, ये एक्ट कौन बनाएगा भाई अगर सीजीएसटी और टी रेवेन्यू तो अलग अलग कर दिया सीजीएसटी एक्ट बनाएगा कौन सेंट्रल गवर्नमेंट एस जी एस एक्ट बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट अब सर आप सोचो सर अगर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से एसजीएसटी एक्ट बना दिया हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट का अलग अलग एसजीएसटी एक्ट अगर बना दिया तो, तो सर लौट के बुद्धू घर को आए वन नेशन वन टैक्स माहौल खत्म हो गया सर फिर तो सेंट्रल एक्साइज और वेट वाले ही कहानी हो गया सर सी जी एस टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है एस जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है हर स्टेट ने अगर अपने अपने कानून अलग अलग बना दिए तो वेट लो ही ठीक थे सर पहले वाले हा तो गवर्नमेंट नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं, नहीं होगा साहब नो डाउट रेवेन्यू सी जीएसटी और एस जी एस टी डिड कर दी डिवाइड बाई टू पर एक्ट एब्सोल्यूटली सेम रहेंगे अब अगर एक्ट सी सीजीएसटी का और एसजीएसटी का एब्सोल्यूटली सेम अगर रहेगा तो इस एक्ट को बनाएगा कौन सर? मतलब जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा होगा वो का वो एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा होगा <coughs> मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एसजीएसटी एक्ट, एक्ट अलग अलग बनाएगी और उस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस होंगे उस एक्ट में जो भी लिखा होगा एब्सोल्युटली सेम लिखा होगा सी जीएसटी में लिखा है वही एस जीएसटी में लिखा होगा हो हो तो मुझे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देंगे तो सारी स्टेट गवर्नमेंट का पावर खत्म तो और स्टेट गवर्नमेंट को अगर पावर दे दिया तो सर हर स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने अपने हिसाब से एक्ट बनाने लग गया तो सर वन नेशन वन टैक्स तो हुआ नहीं सर फिर तो हर स्टेट का अलग अलग टैक्स एक्ट हो गया सर सिंप्लीफाई कैसे होगा टैक्स एक्ट अभी तो हर स्टेट का पहले वेट लो अलग अलग था किसी स्टेट में अलग कानून किसी स्टेट में अलग कानून अगर सर हर जगह कानून सेम होगा तो वन नेशन वन टैक्स हो पाएगा साहब इसलिए गवर्नमेंट का ठीक है साहब ये भी कहानी हम सोल्व करते हैं इस एक्ट को हम मिल बांट के बनाएंगे सर हम सब मिलकर एक्ट बनाएंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा ना स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके एक्ट बनाएंगे तो इन्होंने क्या किया सर सब मिलके कैसे बनाएंगे साहब इन्होंने एक जीएसटी काउंसिल बना दी सर इसने इन्होंने एक जीएसटी काउंसिल बना दी अब जीएसटी काउंसिल जो है वो क्या है इसमें मेंबर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है एंड इसमें मेंबर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स भी है सर तो सर ऐसा सिस्टम बनाया कि हम स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सारे राज्य सारे स्टेट्स अपने अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स इस काउंसिल में भेजेगी सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स इस काउंसिल में भेजेगी साहब एंड इस काउंसिल के चेयरपर्सन चेयरमैन जिसको बोलते हैं कौन होंगे यूनियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जैसे अभी निर्मला सीतारामन जी है तो वो साहब चेयरमैन रहेंगे किसके जीएसटी काउंसिल पर वो चेयरमैन है बाकी सारे मेंबर्स सर वो तो चेयरमैन होंगे कुछ मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे कुछ मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होंगे एंड वो सब मिलके एक्ट बनाएंगे अगर उस एक्ट में कुछ चेंज करना रहा तो वो सर जीएसटी काउंसिल मिलकर डिसाइड करेगी सारे मेंबर्स डिसाइड करेंगे और उसके बाद सर वो डिसीजन ले जाएगा कि हाँ साथ, हाँ साथ, ये चेंज करना है और उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने एक्ट में चेंज करेगी मतलब जो एक्ट बनेगा वो सब मिल बांट के बनाएंगे मतलब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ताकत नहीं है कि वो एक्ट चेंज कर दे सर जीएसटी काउंसिल जो बोलेगी वो होगा साहब तो इन्होंने जीएसटी काउंसिल बना डाली जिसके अंदर सब सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्री हो गए ठीक है साहब हम सबका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक्ट बनाने में सर ऐसा नहीं कि आप ही अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना दो सर क्लियर इसलिए जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा रोल हो गया है साहब मतलब आप सोचिए के ध्यान से अगर मान लो किसी गुड्स पर किसी गुड्स पर अगर समझने की कोशिश करना इस जीएसटी काउंसिल का रेट नाइन परसेंट है तो डेफिनेटली एस जीएसटी का रेट भी कितना होगा 9%. और ये एस जीएसटी जो ना बेटा ये हर स्टेट में है सर तमिलनाडु ले लो गुजरात ले लो राजस्थान ले लो मध्य प्रदेश ले लो दिल्ली ले लो सर वेस्ट बंगाल ले लो सर ऐसा नहीं है कि कल को वेस्ट बंगाल मान लो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को लगा नहीं, नहीं नहीं हमको तो इस गुड्स पर रेट के कितना करना है ट्वेल्व परसेंट करना है साहब अब सोचो अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने एस जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करके ट्वेल्व परसेंट रेट कर दे तो वन नेशन वन टैक्स करने की वजह से क्या हो जाएगा साहब सी जीएसटी को भी ट्वेल्व करना पड़ेगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट को अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ट्वेल्व कर दिया तो सर बाकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सिंस सी जीएसटी ट्वेल्व परसेंट हो गया यार हर गुड्स में सी और एस इक्वल होगा सर तो सारी स्टेट गवर्नमेंट को भी ट्वेल्ल ट्वेल्व परसेंट अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो सर ऐसा तो सर कैसे एक्ट चलेगा सर इसलिए लॉ में अगर अमेंडमेंट भी करना है तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी सर जीएसटी काउंसिल मतलब सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री करेंगे उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा और वो डिसीजन इंप्लीमेंट फिर सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ करेगी सर वरना तो सर एस जीएसटी एक में सर मान लो आज अभी अभी मान लो फॉर एग्जांपल बीजेपी का साहब बीजेपी सरकार चल रही है अब सर मान लो कोई कांग्रेस वाला स्टेट गवर्नमेंट है सर मान लो राजस्थान या मान लो कोई भी दूसरा स्टेट जहां पे कांग्रेस की सरकार है सर वो तो क्या करेगी परेशान करने के लिए एस जी एस टी एक चेंज कर दिया अमेंडमेंट कर दिया अमेंडमेंट किया तो सी जीएसटी में अमेंडमेंट करना पड़ेगा वहां अमेंडमेंट हुआ तो सारे स्टेट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो सर अगर सी जी एस टी और एस जी एस टी को बराबर रखना है तो इसका तो सर इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा सर रोज चेंज रोज सर नोटोरेस एक्टिविटी होती रहेगी सर इसके अंदर तो इसलिए इन्होंने जीएसटी काउंसिल बनाया और अधिकार दे दिया जीएसटी काउंसिल को कि जीएसटी काउंसिल कर डिसाइड करेगी अमेंडमेंट तो होगा सर जो ये डिसाइड करेगी वो अमेंडमेंट होगा बाकी सर दिमाग खराब ना करने का तो सर जीएसटी काउंसिल ने क्या किया सर सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेकर रखा एंड सब जो एक साथ डिसीजन लेंगे वो ही इंप्लीमेंट होगा भारत माता की जय समझे दिस इज हाउ माहौल बना एंड सर दिस इज हाउ जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ एंड सर आई थिंक सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अब काम कर रही है शायद आपको बात समझ में आ गई इसलिए आप पूरे देश में देखेंगे सर अगर आपने सी जीएसटी एक पढ़ लिया आपने अगर सी जी एस टी एक्ट पढ़ लिया इसका मतलब आपको सारे देश के जितने भी एस जी एस टी एक्ट है हर स्टेट के वो भी आपको आ गए क्योंकि जो सी जी एस टी एक्ट में लिखा है एब्सोल्युटली वही भले आप उड़ीसा चले जाइए भले आप पंजाब चले जाइए भले दिल्ली भले राजस्थान भले गुजरात भले मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल हर जगह वहां के एस जी एस टी एक्ट में भी एब्सोल्युटली इनफैक्ट सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर क्लोज नंबर नोटिफिकेशन भी सेम है सारे सर स्टेट गवर्नमेंट के इसलिए अगर आपने सी जी एस टी एक्ट पढ़ाला तो सारे एस जी एस टी एक्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे समझ में क्या मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आपको एब्सोल्युटली सेम सर बस दो तीन सेक्शन कुछ अलग थे एस जी एस टी एक्ट में वो भी ट्रांजिशन के टाइम पे ट्रांजिशन मतलब जब सर्विस टैक्स एक्साइज वेट से जीएसटी आ रहा था उस टाइम पे कुछ आ, उनको कैसे कन्वर्ट करना वहां पे कुछ चेंज थे वो अब काम के भी नहीं है सेक्शंस क्योंकि वो तो 2017 हजार सत्रह में ही काम करते थे उनको आप छोड़ भी सकते हो अभी आप काम के नहीं है आपके सिलेबस में भी नहीं आता सर क्लियर मतलब अगर अगर हम बात करें अभी तो सारे प्रोविजन सी के और एसजीएसटी के एब्सोल्युटली सेम इसलिए आईसीएआई ने भी आपके सिलेबस में केवल और केवल सीजीएसटी एक्ट रखा है क्योंकि अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब सारे एसजीएसटी एक्ट भी आपको आ गए और सीजीएसटी में भी सिलेक्टेड पोर्शन ही आपके सिलेबस में आता है साहब पूरा नहीं आता है वो हम फाइनल लेवल पर जाके पढ़ेंगे सर क्लियर समझे मेरी बात तो वन नेशन वन टैक्स ऐसे आया वन नेशन वन टैक्स क्यों बोलते सर इसको क्योंकि जो सी जी एस टी एक्ट में लिखा है वही सारे एसजीएसटी एक्ट में लिखा है और जो सी जी एस टी रेट है वही एस जी एस टी की रेट है और सारे स्टेट गवर्नमेंट में वही रेट है मान लो किसी गुड्स पर सीजीएसटी की रेट नाइन परसेंट है मतलब किसी भी स्टेट से आप गुड्स परचेज कर रहे हो उस उसमें एस जी एस टी नाइन परसेंट ही होगा हमेशा मतलब ये समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी गुड्स पर तो परसेंट इंडिया के अंदर आप किसी से भी परचेज करो कहीं से भी परचेज करो एटीन परसेंट ही टैक्स लगेगा इसलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट स्टेट टू स्टेट एक्ट चेंज नहीं होगा स्टेट टू स्टेट एक्ट कानून चेंज नहीं होगा आप किसी भी स्टेट में जाके काम करिए एक्ट सेम है साब क्लियर डन तो शायद वन नेशन वन टैक्स आपको समझ में आ गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट भी आपको समझ में आ गया कि किसी भी दूसरे स्टेट से परचेस करेंगे तो आपका कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा रेट वही है सर क्लियर डन लोगों को समझ में आ रहा है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट सर जीएसटी आ रहा है भाई तो सर आप अगर ध्यान से देखेंगे सर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे देश में कितने एक्ट बने जीएसटी के नाम पे अब वो बात कर लेता हूं मैं सर आपसे मतलब सर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट तो हो गया अब कितने एक्ट बने समझना बेटा सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही पूरे देश के अंदर तो सीजीएसटी एक्ट बना एक सीजीएसटी एक्ट बना एक और सर सारी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है तो सारी स्टेट गवर्नमेंट के एस जी एस टी एक्ट अपने आप में अलग है एक्ट अलग है पर सर जो प्रोविजन लिखे वो एब्सोल्युटली सेम है जो सी जी एस टी में लिखे हैं अच्छा तो एस जी एस टी एक्ट कितने हो गए सर हमारे देश में कितने स्टेट है साहब ट्वेंटी एट अरे राज्य कितने है तो आइडिया है डोंट वरी मेरे को है सर अट्ठाइस स्टेट है सर प्लस 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 समझना बेटा यूनियन टेरिटरीज जो सात यूनियन टेरिटरी है उसमें तीन का नाम ले रहा हूं सर जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी अच्छा कश्मीर हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा ओके तो सर वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया अभी सर जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी या पौडीचेरी जिसको हम बोलते हैं सर ये तीन यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिनका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है अपना खुद का एक तरह से आप देखेंगे राज्य सरकार है सर इसमें अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर बना हुआ है साहब दिल्ली पुडुचोरी एंड जम्मू एंड कश्मीर जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा आम आदमी पार्टी बेटा क्लियर तो ये तीन यूनियन टेरिटरी पर इन सब का तीनों का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर बना हुआ है इसलिए इन तीनों का एस जी एस टी एक्ट भी अपने आप में अलग है सर तो हो गए कितने थर्टी वन एस जी एस टी एक्ट हो गए सर तो एक तो सी जी एस टी एक्ट थर्टी वन हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग एस जी एस टी एक्टर प्रोविजन सारे सेम है। आपने अगर एक सी जी एस टी एक्ट पढ़ लिया एस जी एस टी एक्ट भी आपको आते हैं सर सर क्लियर अब सर, देश में यूनियन टेरिटरीज भी है सर क्लियर अच्छा दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज है सर उन यूनियन टेरिटरीज के लिए सर एक एक्ट बना हुआ है यूटी जीएसटी -जी एक्ट क्या नाम है साहब उसका

यूटी जीएसटी एक्ट भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है यह भी आपके सिलेबस में नहीं आता है एस एक्ट भी नहीं आता सर क्लियर अब सर अब सर दो बातें और है सर एक तो आईजीएसटी एक्ट और एक कंपनसेशन सेस के रिगार्डिंग एक एक्ट बना हुआ है इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है ना सर आईजीएस टी भी एक जोरदार फंडा है अभी बात नहीं कर रहा मैं आपसे ये फंडामेंटल हमको समझना पड़ेगा माहौल बनेगा मजा आएगा सर जिंदगी के अंदर पर सर शायद आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो केवल एक एक्ट नहीं है नंबर ऑफ एक्ट तो बहुत सारे है पर सर सेम प्रोविजन्यूटली बोलते क्या वन नेशन वन टैक्स क्योंकि टैक्स एक ही लग रहा है सेम टैक्स लग रहा है सर हर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक्ट एक ही बना हुआ है सेम बना हुआ है साहब क्लियर इसके आगे बात करेंगे टू बी कंटिन्यू आयना भाई एक क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ देता हूं सर अगर मान लो मैं महाराष्ट्र में हूं मैंने महाराष्ट्र से कोई गुड्स परचेज किया विद इन द स्टेट परचेज किया इंट्रा स्टेट परचेज बोलते हैं उस पर सी जी एस टी और एस लगेगा सी जीएसटी रेवन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का नाइन परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा नाइन परसेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा क्लियर मैं गुजरात में हूं मैंने गुजरात से गुजरात में परचेज किया सी जीएसटी नाइन परसेंट मान लो एस जीएसटी गुजरात जीएसटी नाइन परसेंट है नो परसेंट मिलेगा गुजरात गवर्नमेंट को नो परसेंट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पर मान लो मैं महाराष्ट्र में हूं मैंने गुजरात से कोई गुड्स परचेज किया और महाराष्ट्र में लेके आया चलो ये बात मान ली कि आधी रेवेन्यू होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की पर आधी होगी स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की सॉरी गुजरात गवर्नमेंट की होगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, की होगी सर हा सर इसके लिए बात करेंगे हम टू बी कंटिन्यूड माहौल करेंगे अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन के साथ हम सर क्लियर ये सर ये जो दोनों मैंने लिखा ना नेक्स्ट लेक्चर इसमें आपका आंसर छुपा हुआ है सर अभी इस पे आप मत सोचिएगा बात करेंगे हम ब्रेक के बाद माहौल के साथ सर क्लियर तब तक के लिए जो मैंने अभी यहां तक लिखा है वो आप प्लीज अपने मोबाइल फोन में क्लिक कर लीजिए क्योंकि आपको कॉपी करना पड़ेगा माहौल के साथ सर क्लियर आई होप आपको समझ में आया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्या होता है सर हाँ जी ये रहा पुराने लोज में क्या तकलीफ थी क्रेडिट क्यों नहीं मिल पाता था उसके लिए थोड़ा सा मैंने लिखा है आप अपने नोटबुक में के लिए इतना लिख देना तो आपको याद आएगा सर इल इफेक्ट ऑफ पुराने लोज अभी आपको बुक से कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी तो मैंने बुक से आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है क्लियर अभी आपको नोट्स रेफर करना है बस अभी तो बेसिक फंडामेंटल चल रहे है सर माहौल के साथ में से कुछ चीजें नहीं भी कॉपी करोगे चल जाएगा पर फिर भी आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा आपको याद रहेगा कि मैंने क्या बोला था सर ये वन नेशन वन टैक्स की सीएसटी लिखा हुआ बेटा है ना सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती थी बेटा ओके ये लो फिर जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया सारी स्टेट गवर्नमेंट मान गई सर सीजीएसटी और एसजीएसटी और सारे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में कौन लेके आया जीएसटी काउंसिल लेके आई बेटा ओके okay. सर के मालिक माहौल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर सर पर तब तक के लिए रिक्वेस्ट क्या है जितना मैंने पढ़ाया उतना सोचिए बस उससे एक्स्ट्रा मत सोचिए पर सर माहौल के साथ जितना मैंने पढ़ा एक बार जस्ट रिकेप कर लीजिएगा टाइम नहीं लगेगा देखो ये स्टार्टिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें रिवीजन में टाइम नहीं लगता होगा आपके एंड पे सर पर जितना भी टाइम लगे दस मिनट लगे पंद्रह मिनट लगे आधा घंटा लगे जो भी लगे सर पांच मिनट लगे आपको आपके एंड पे रिवाइज करना है तभी सर माहौल बनता जाएगा आगे और कंटिन्यू करेंगे हम अगले लेक्चर से कि सर अगर इंटर स्टेट दूसरे स्टेट से कुछ परचेज किया तो क्या होता था सर क्लियर अच्छा ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमने सीख लिए अभी से तो आगे जब एक्ट पढ़ेंगे ना सर तो आप भी आता है ये भी आता है सर चीजों का भी आप मस्त होकर पढ़िए सुनिए और समझिए बुक से केवल प्रोविजन उठाया और याद के लिए नहीं अभी तो हम एक्ट बना रहे हैं एक्ट कैसे बना क्यों बना उसकी आत्मा अगर समझ में आ गई ना सर तो एक्ट अपने आप समझ में आएगा भाई ये बहुत डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं बहुत इजीली सर क्लियर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर पर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए हम अभी ये पढ़ रहे हैं आखिर जीएसटी क्यों आया कैसे आया क्या तकलीफ थी अगर आपको यह समझ में आता ना, ना ये क्यों आया ये कैसे आया तो क्या आया वो अपने आप समझ में आएगा सर क्लियर तो सर हमको केवल अकाउंटेंट नहीं बनना है तो वो क्या लिखा है एक्ट में वो पढ़ लिया देन यू विल बी अकाउंटेंट ये क्यों लिखा और कैसे लिखा ये अगर समझ लिया तो यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माहौल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय टेक केयर